चल 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 ए गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छोड़ दिया। हम फर्स्ट स्टार्ट कर। हम फर्स्ट गाड़ी चला चला। मार्केट में नया लफड़ा वेला है बाप। मेरे को तो लगता है इन लोगों का कोई पुराना लफड़ा है। क्या बात कर रहा है यार। अब सारे के सारे अंडरटेकर की तरह निकलेंगे रोस्टर्स ताबूतों में से। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब पे मिस हो गया था भाई साहब लफड़ा। मैं ये वाला नहीं छोड़ रहा, इसका मेरे को साक्षी बनने का जैसे तैसे, पता ही नहीं अभी तक। तो यूट्यूब पर लफड़ा स्टार्ट हुआ अपने थगेश भाई का और अदनान टिकटॉकर का। बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं 2022 का टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के भी 2-3 महीने बाद ही आया था मैं। हाँ, तब बॉलीवुड का कांड करना शुरू किया था मैंने। तो हमारे थगेश भाई, भाई साहब ये आदमी मच्छर भी नहीं मारता होगा, इतना प्यारा है थगेश, मेरा तो फेवरेट है। खैर मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन थगेश भाई ने अभी अपने लेटेस्ट रोस्ट में अदनान की एक रील की गेम बजा दी। गेम में नहीं थी यार वो। अरुणा को मारने के लिए एक रॉकी पैदा किया। भाई मेरे को एक बात बताओ, कम से कम ड्रेसअप तो वैसा कर लेते। अभी इस रील पे थगेश ने बजाई है, मैं होता मैं तो पता नहीं क्या ही कर देता। अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। तो इस रॉकी को मारने के लिए एक और रॉकी पैदा नहीं कर सकते क्या? मेरे बाप से ही नहीं हुआ तो मेरे बाप की कसम किसी से भी नहीं हुआ। ये लास्ट में ऐसा क्यों चल रहा था? ये क्या है भाई? और एक तो मेरे को समझ नहीं रहा है, ये पहले एंगल में यहाँ पे चश्मा रखा है, जब ये दूसरी तरफ मुड़ा चश्मा गायब हो गया, और जब ये वॉक करने लगा तो कुछ अलग ही चश्मा आ गया। ये कोई ईस्टर एग्स है क्या छपरी वर्ष का जो हम मगलू समझ नहीं पा रहे? कोई बात नहीं, होता होगा ऐसा, एक डायलॉग एक दिन में बोलते तो पूरा रील शूट करने में 3-4 दिन लगता होगा, तो हो जाता है कंटिन्यूटी। ये तो रोश भी नहीं था तुम्हारा, ये तो पॉइंट आउट किया ना उसने गलतियां। सच में चश्मा इधर उधर काय को करते हुए तुम? एक तो 15-20 सेकंड का तुम्हारा रील है, उसको तो एटलीस्ट बिना गलतियों के बना। चलो ठीक है, कर लिया। एंड में तुम चल कैसे रहते? अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है ना? तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। रॉकी भाई शर्मा गया तुम्हारा। मैं बोलने का मन नहीं कर रहा, बट जेन्युइन बात है ना यार, कुछ उल्टा सीधा भी नहीं बोला। होते वो कोई दूसरे रोस्टर तो गाली वाली देते। पॉइंट की गलतियां। एनीवेज हमारे अदनान भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने आधी रात को हमारे थगेश भाई को कॉल किया। और क्या बात हुई दोनों के बीच में? लव बर्ड्स, आई डोंट नो। उसके बाद हमारे थग्गू भाई ने ट्वीट किया एक, वोक अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग विद दिस इंस्टाग्राम रीलर एक्स टिकटॉकर। मानो ना मानो, रीलर में वो मजा नहीं है जो टिकटॉकर में। कॉलिंग मी एंड अब्यूजिंग मी फॉर पॉइंटिंग आउट हिज कंटिन्यूटी एरर इन माय लेटेस्ट वीडियो, आल्सो आस्किंग मी फॉर अ फाइट। प्यार से बोल देते तो पोर्शन क्रॉप कर देता, बट मारपीट की धमकी। एक तो वो रोस्ट नहीं था ब्रो, मैं मेरे बंधु को पता है मैं जबरदस्ती का काम नहीं करता, वो रोस्ट नहीं था, वो तो बस हंस के चला गया हमारा थग्गू भाई। तुम धमकी दे रहे, गाली दे रहे, अबे चूतिया है क्या? और मैं कसम से बता रहा, मैं पैसा लगा सकता हूँ अपनी जेब से निकाल कर, तुम बोलते क्रॉप करने को वो क्रॉप कर देता। तुम लोग गाली को, वो आमिर सिद्दीकी अभी भी रूम में कहीं बैठा होगा। एक रोस्टर उठा उसने बैठा दिया उसको, अभी तुमने इसको दे दी, ये उठा तो तुम पता नहीं कहाँ जाओगे। उसकी हड्डी पसली तोड़ के, दांत तोड़ के उसको लंगड़ा बनाकर। नहीं सीरियसली, जैसे मेरे को भी काफी बार बंदों ने बोला कि इस रील में से ये वाला भैया पार्ट अच्छा नहीं लगा, इसको क्रॉप कर दीजिए, हमें हर्ट हो रहा है, तो मैं तो पूरी रील डिलीट मार दी है। इसे बोल देते भी कर देते, बट नहीं तुमको तो गाली देना। तो ये थी लफड़े की वजह। अब तुम्हारा रोहित कोई न्यून मैन या न्यूज बॉय तो है नहीं जो तुम्हें एक एक खबर पकड़ पकड़ के लाए, तो अपन को जाकर ही ढूंढनी पड़ेगी क्या क्या चल रहा है। चलते थग्गू भाई के अकाउंट में, आइए देखते हैं। नाम में 07 डालने से बॉन्ड नहीं बनते छोटे, हुई तेरी हाइप डेड तो आया मेरे पास ना। अरे थग्गू क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक और स्टोरी डाली है थगेश भाई ने, 11 मिलियन पे सर्कल मार्केट, शायद इसके डीलर ने बताया नहीं, फेक फॉलोअर्स डालने से व्यूज नहीं आते। रोस्टर साला कोई भी हो, तुम उंगली करोगे और उसको, वो तो पैदा ही रोस्ट करने के लिए ब्रो, वो रोस्टर्स को उंगली मत किया करो। लक्ष्मण बोलना है इसको उंगली हटाने का। वो देख लो गड़े मुर्दे उखाड़ेगा, अब तो गेम बजेगी तेरी गलत। लक्ष्य की स्टोरी रिपोस्ट की है थगेश ने, कॉलिंग यूट्यूबर्स एंड अब्यूजिंग देम जस्ट बिकॉज दे मेड अ हेल्दी रोस्ट वीडियो। पता है ना तेरी गर्मी 2020 में कैसे निकाल ली थी, आज तक जनता तुम्हें गालियां बकती है, और महेश केशवाला से क्या ही लड़ेगा, जितनी तेरी हाइट है तो उसके डैश तक आएगा। लक्ष्य भैया यूट्यूब पे कहीं पे भी हल्का से भी हो जाना लक्ष्य खड़ा मिलता है। इंस्टाग्राम पर आया हूँ थगेश की स्टोरी वगैरह देखने की, हाँ भाई कोई अपडेट तुम तक पहुंचाओ, लक्ष्य भाई हमारे वहाँ बैठे हैं। एनीवेज इस बारी तो ये और मैं एक ही साइड पर हैं, इस लड़ाई में तो बढ़िया काम कर रहे हैं। पेल दे जा, पेल दे। 5 स्टोरी डाली है थगेश ने अभी तक। ओके, से स्टोरी में थगेश ने अपने किसी फैन पेज की स्टोरी को मेंशन किया हुआ है, जो सड़क पे मार खा लिए हैं वो इससे ऑफेंड हो गए।
बात तो सही है, ऑफेंड होने वाला कोई था नहीं अदनान भाई, कुछ था ही नहीं उस रील में, तो पता नहीं काहे को इतना गुस्सा है तुम लोगों के अंदर पे। हैशटैग केश, वीडियो में कैमरे के सामने नाम मर्द बनने वालों आओ तो फेस टू फेस, वीडियो में कैमरे के सामने नाम मर्द बनने वालों आओ फेस टू, नाम मर्द बनने वाले कैमरे के सामने नाम मर्द कैसे बनते हैं ब्रो? नहीं मैं, अरे मैं पार्शल नहीं हो रहा हूँ, मैं जस्ट क्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ तेरी बातों का भी मतलब। कैमरे के आगे नाम मर्द कैसे बनते हैं? अपन तो रोस्ट नहीं करते, सब वीडियो बनाते हैं फनी फनी मीम डाल के, नाम मर्द कैसे बनता आदमी वीडियो के आगे? कोई बात आओ तो फेस टू फेस, इसके मेरे को लक्षण ठीक नहीं लग रहे भाई थगेश, ये फेस टू फेस बुलाए पप्पी शप्पे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, बाप जी बिजी है बेटा अपने दूसरे बाप को रिप्लाई करो अब्दुल 100। ये क्या है भाई, बाप जी बिजी अपने दूसरे पापा को रिप्लाई करो अब्दुल, ये पता नहीं कौन है। अब्दुल रहमान शेख नाम के लॉन्डे को टैग कर दिया, अच्छा एटीट्यूड, कह रहा है कि मैं तो बिजी हूँ अपने दूसरे पापा को, मतलब कि ये राइट हैंड है मेरे ख्याल से, ये मतलब इसकी भी स्टोरी देखनी पड़ेगी, सालों इधर से उधर घुमाए जा रहे हो, इतना मुश्किल होता है क्या न्यूज़ें बनाना? अरे मुझे चक्कर आने लग गया, बहुत मुश्किल। इससे बढ़िया तो मैं इसको रोस्टी कर देता, अभी इसकी स्टोरी अलग देखो। अब्दुल रहमान शेख भाई ने डाली हुई है, मेरे भाई से बकचोदी मतलब, मेरे से नंगा करना करने एनी टाइम रेडी हूँ, वो बोल रहा है आओ फेस टू फेस, ये बोल रहा है नंगा करने एनी टाइम रेडी। ये भाई इनसे लड़ाई महंगी पड़ सकती है, वो हगेश भाई, वो लक्ष्य भाई तू भी पीछे हो जा, ये अलग ही लग रहे हैं इनकी गेम मेरे को। अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। ये देख लो यहाँ भी लक्ष्य भाई हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, लक्ष्य यहाँ भी पहुंच रखा मतलब, थगेश बैठा किसी कोने में सोच रहा है साले लड़ाई मेरे साथ हुई है अभी एक दिन पहले, अभी मुझे और अदनान को ही नहीं पता क्या करना है, लक्ष्य को कैसे पता है हर जगह पहुंचा हुआ। नेक्स्ट सही है, लेकिन फुल सपोर्ट ही जा रहा है लक्ष्य इस बार। जब मैं ठगेश को कॉल किया बार बार वो वीडियो यूज कर रहा था, तो तू उड़ता हुआ तीर काय के लिए ले रहा, तेरे को कुछ बोला क्या? जाने दो, ये आएगा अगर बीच में तो मैं भी आऊंगा, समझ में आया? तुम भाई हो, ये इसका कोई लगता नहीं है, ठगेश नाम का भाई होएगा तो तुम सगे भाई हो मेरे, और ये बाप पे जाएगा ना तो एक ही चीज बोलूंगा, तेरे शक्ल से ही लगता है कि तू 100 बाप का है, समझा? बाप पे नहीं जाना पहले बोल दे रहा हूँ, तेरी माँ पे, तेरे बाप पे फिर जाना चालू करे ना तो तेरी आएगी, ठीक है भाई साहब? अरे गाली गलौज चल रहा है भाई, अपना सपोर्ट तो अपने यूट्यूबर भाइयों को ही रहेगा, बिकॉज ये सही है सारे आमी भाई, उस वीडियो में कुछ भी नहीं था, ये इतनी इतनी बातों पर आग लगने लगेगी तो क्या करें हम, कैमरे तोड़ देते अपन, ये माइक तोड़ देता हूँ, साला रिएक्ट भी नहीं करने दोगे क्या तुम? अब तू चला ही ऐसे ऐसे तो साले कौन मजाक उड़ाएगा, मेरे को खेलना ही नहीं। अब मिर्ची लग गई, बताओ गाली गलौज कर रहे तुम आधी रात को, ऊपर से 2:30 बजे कौन करता है? अच्छा मेरे को नहीं क्या साले, नींद खराब करने पे मैं ज्यादा गेम में जाता था, यही दिक्कत है साला, लड़कियां पटती नहीं इनसे, फिर ये दुखी करते हैं आधी आधी रात को कॉल करके छड़े लौंडे। एनीवेज गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो मजा आया, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, इस अजीब से चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर देना, बाकी इस तरह उसके आते अपने परिवार का ध्यान रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं खतरनाक वीडियोस निकालता रहूंगा भाई, इस बार मैं नहीं मिस कर रहा कुछ, इस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में रोहित नहीं जाने देगा कुछ।